दोस्तों आपको बता दें कि एलन मस्क की एक कंपनी न्यूरालिंक एक ऐसे ब्रेन चिप पर काम कर रही है जिसे दिमाग में लगाया जा सकता है। यह चिप मस्तिष्क गतिविधि को पढ़ने और उसे कंप्यूटरों और अन्य उपकरणों के नियंत्रित करने के लिए संकेतों में बदलने के लिए सक्षम है। हाल ही में न्यूरालिंक ने एक एक्सीडेंट हुए आदमी के दिमाग में यह चिप लगाई और इसके पॉजिटिव परिणाम देखने को मिल रहे हैं। एलन मस्क की इस कंपनी ने एक ऐसे व्यक्ति का वीडियो जारी किया जिसके दिमाग में इम्प्लांट की गई चिप उसे बिना किसी बाहरी उपकरण के लैपटॉप चलाने में सक्षम बनाती है। इस वीडियो में वह व्यक्ति अपने दिमाग का उपयोग करके लैपटॉप चलाने में सक्षम है। वह सिस्टम को नियंत्रित करने, टाइप करने और यहाँ तक कि गेम खेलने के लिए अपने विचारों का उपयोग कर रहा है। न्यूरालिंक अभी भी शुरुआती चरणों में है, लेकिन इसकी सुपर पावर में दुनिया को बदलने की क्षमता है। न्यूरोलिन जैसी तकनीक में विकलांग लोगों के जीवन को बेहतर बनाने की क्षमता है। यह तकनीक विकलांग लोगों को जीवन जीने का एक नया तरीका प्रदान कर सकती है और हमें मशीनों के साथ बातचीत करने के तरीके में क्रांति ला सकती है। एलन मस्क का लक्ष्य भविष्य में इस चिप का इस्तेमाल अन्य बीमारियों जैसे मिर्गी, पार्किंसंस और डिमेंशिया के इलाज के लिए भी करना। फिलहाल इससे पैरालिसिस ग्रस्त लोगों को कंप्यूटर या वर्चुअल कीबोर्ड को उनके दिमाग से कंट्रोल करने के लिए किया जाएगा। बाकी एलन मस्क की इन प्रयासों के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है और न्यूरालिंक की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया जरूर दें।